दोस्तों, मैंने आपको सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में अपने पहले के वीडियो में बताया है और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये काफी अच्छी लोशन है, आप इसे एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो काफी थिक लोशन है, मतलब कि काफी गाढ़ी लोशन है, जो कि समर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि समर्स में जब मैंने इसे अप्लाई किया था तब मुझे इसे ब्रेकआउट हो गए थे, फिर मैंने इसे कुछ दिन के बाद विंटर्स में दोबारा अप्लाई किया तो मुझे काफी अच्छा सूट कर गया उस टाइम। और उस वक्त में मैं सिर्फ इसे रात में लगाना पसंद करती थी क्योंकि दिन में ये काफी मोटा और गाढ़ा क्रीम था, तो दिन में मुझे ये काफी अच्छा नहीं लगता था कैरी करना, तो सिंपली मैं इसे रात में लगा के सो जाती थी और नेक्स्ट डे मेरी स्किन काफी स्मूथ, सपल, सॉफ्ट हो जाती थी, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। ये विंटर्स के लिए ही परफेक्ट है, समर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जब मेरा ये पैक खत्म हो गया तो फिर मैंने सिटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम मंगवाया था, जिसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाया था कि मैं उसे 10 डेज से यूज कर रही थी उस वक्त। सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम काफी अच्छी क्रीम है क्योंकि ये लाइट वेट है, मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इस क्रीम के चलते मुझे ब्रेकआउट हो रहे हो, चाहे वो विंटर हो या समर हो, मुझे कोई भी वक्त ब्रेकआउट नहीं हुआ इस क्रीम के वजह से। और सबसे बेस्ट पार्ट इस क्रीम की ये है कि ये मेडिकेटेड होने के बावजूद आप इसके ऊपर अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, आप अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप जैसे एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर को कैरी करते हो सिंपली आपको वैसे ही कैरी करना है। और ये परफेक्ट फेस मॉइस्चराइजर है ड्राई स्किन वालों के लिए। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, आप सिटाफिल लोशन को फेस पर कभी भी मत यूज करिए, चाहे विंटर हो या समर हो, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग लोशन ओनली फॉर बॉडी है, मतलब कि ये एक बॉडी लोशन है। और जो सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो फेस के लिए फेस मॉइस्चराइजर है। सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो फेस के लिए है, तो जब फेस के लिए क्रीम है ही सिटाफिल की, तो आप बॉडी वाला लोशन क्यों अपने चेहरे पर इस्तेमाल करिएगा। और मुझे ये सिटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन काफी पसंद आया है क्योंकि ये ऑल सीजन है, डे एंड नाइट आप कभी भी इसे यूज कर सकते हैं, ऑल टाइम के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है। वैसे आपको घबराने की बात नहीं है, अगर आप सिटाफिल का लोशन को यूज कर रहे हैं तो आप यूज करिए, पर आप नेक्स्ट टाइम जब आप रीपर्चेस करने जाओ तो आप उसे मत खरीदिएगा, आप सिटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम को खरीदिएगा। ऑल टाइम के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसलिए इस बार मैंने इसका बड़ा वाला पैक मंगवाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस रेड बटन पर दबा के हमें सब्सक्राइब कर दे और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप इस शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप और फेसबुक में बड़ी आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ओम योर हेल्पर।